बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज प्रेम के उस अनंत सागर में गोता लगाना है। सबसे पहले अपने इष्ट देव श्री सतगुरु दाता दयाल जी की मनोहारी प्रेममयी मूरत को अपने हृदय मंदिर में विराजमान करें। बंद आंखों के अंदर मस्तिष्क के मध्य में अपने सतगुरु की प्रेममयी मूरत को विराजमान करके उनके प्रेम स्वरूप का ध्यान करना है। मेरे सतगुरु, प्रेम की साकार मूरत हैं। और मैं भी उन्हीं का अंश हूं। मेरे सतगुरु की हर बात में प्रेम है, हर अदा में प्रेम है। उनकी वाणी में, उनके स्वरूप में, उनके व्यवहार में प्रेम का एक अनंत सागर सदा लहराता रहता है। ऐसा दिव्य प्रेम जिसकी कोई उपमा इस संसार में नहीं है। और मेरे सतगुरु ने मुझे भी अपना सेवक बनाकर प्रेम के उस अनंत सागर के साथ जोड़ दिया है।
जैसे मेरे सतगुरु प्रेम स्वरूप हैं, मैं उनका दासन दास भी प्रेम का ही रूप हूं। मेरी अंतरात्मा तो उन्हीं की अंश है, वो और मैं दो तो नहीं। सही मायनों में तो मेरा और मेरे सतगुरु का वास्तविक स्वरूप प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम। अनंत प्रेम, हर तरह की सीमाओं से बाहर, स्वार्थ रहित परम पवित्र प्रेम, शुद्ध प्रेम। इस प्रेम में अनंत आनंद है, प्रेम आनंद का ही दूसरा नाम है। अपने ध्यान को मस्तिष्क के मध्य में ठहरा कर रखें और सतगुरु के प्रेममयी स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके बख्शे हुए अमृतमयी नाम का जाप श्वासों के अंदर चलता रहे।
हर सांस तू ही तू, तू ही तू की रटन लगाती रहे। भीतरी आंख से अपने परम इष्ट देव सतगुरु का परम मनोहारी दिव्य स्वरूप निहारते रहें। और उसके बख्शे हुए अमृतमयी नाम का सिमरण जारी रखें। प्रेम की एक अनंत धारा मेरे सतगुरु के कर कमलों से निकलकर मेरी अंतरात्मा में समाती जा रही है। कितना निश्चल है ये प्रेम, कितना पावन है ये प्रेम मेरे स्वामी मुझे भी अपने प्रेम में डुबोकर अपने श्री चरणों से मिलाना चाहते हैं। प्रेम की अनंत धारा उनके पावन कर कमलों से लगातार बह रही है। प्रेम की सबसे सुंदर परिभाषा मेरे प्रियतम है। मेरी
एक एक श्वास उनके प्रेम की ऋणी है। ऐसा दिव्य है ये प्रेम, जो मेरी अंतरात्मा को भी प्रकाशित करता जा रहा है। अपने सतगुरु से प्रेम पाकर मेरी अंतरात्मा भी प्रेम स्वरूप बनती जा रही है। इस अनंत प्रेम को अपने हृदय में समेट लेना है। क्योंकि इस संसार को इस प्रेम की बहुत जरूरत है। मेरे स्वामी ने जो ये प्रेम मुझे बख्शा है, मुझे सारे संसार में बांटना है। सबसे मीठा बोलना है, सबसे मीठा बोलना है, सबसे मधुर व्यवहार करना है, सबसे मधुर व्यवहार करना है। कैसा अनूठा ये मार्ग है, मेरे साईं ने, मेरे सद्गुरु ने मुझे साधन बनाया है इस संसार में प्रेम बांटने के लिए। खूब बांटना है प्रेम, जो भी
मेरे संपर्क में आए। प्रेम की इस आभा को महसूस कर सके। और इस प्रेम की एक झलक उसे भी प्राप्त हो। मेरी आंखें किसी को भी देखें, सदा प्रेम में ही होकर ही देखें। मेरी वाणी कुछ भी बोले, सदा प्रेममयी होकर ही बोले। मेरे कान प्रेम की ही चर्चा सुने। मेरा कार्य व्यवहार का आधार ही प्रेम बन जाए। रोम रोम से प्रेम की ये किरणें निकलें और इस संसार को प्रेममयी कर जाएं। मेरे सतगुरु ने प्रेम का जो दिव्य प्रकाश मुझे बख्शा है, इस सारे संसार में वो प्रकाश फैल जाए। तभी मेरा कार्य संपन्न होगा। तभी मेरे सतगुरु के प्रति मेरा धन्यवाद संपन्न होगा। ए प्रेम की साकार मूरत, तेरा शुक्राना ओ प्रेम के अनंत भंडारी, तेरी प्रेम भरी मुस्कुराहट से मेरी अंतरात्मा प्रफुल्लित हो गई है। मेरा रोम रोम तेरा ऋणी है। हे प्रेम के अनंत भंडारी, प्रेम की साकार मूरत, तुझे मेरा कोट इन कोट शुक्राना शुक्राना।
ऐसे ही प्रेम की इस अनंत धारा में इस दास को बहाते चलो। ये प्रेम मुझसे होता हुआ सारे संसार में बट जाए, सब कुछ प्रेममयी हो जाए, क्योंकि प्रेम ही आनंद है। प्रेम का दूसरा नाम आनंद ही तो है, प्रेम में ही आनंद है। प्रेम ही आनंद है और आनंद ही परमात्मा है, आनंद ही सतगुरु है। सतगुरु की हर अदा में आनंद है, प्रेम है। उनकी मीठी वाणी में आनंद है, प्रेम है। अब ये प्रेम इस सारे संसार को मिल सके, ऐसा प्रयास हर पल मुझे करना है। ध्यान मस्तिष्क के बीच में लगा रहे, और सतगुरु के प्रेममयी दिव्य स्वरूप को निहारते हुए मेरी अंतरात्मा भी प्रेम स्वरूप हो जाए। प्रेम हर स्थान पर प्रेम हो, हर दिल इस प्रेम से रोशन हो, हर दिल प्रेम से प्रफुल्लित हो, आनंदित हो। सदा सदा ये आनंद बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। मेरा रोम रोम प्रेम स्वरूप हो जाए। शुक्राना ए प्रेम की साकार मूरत, तेरा कोटि कोटि शुक्राना। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।